रोक सुने, वाकई में आपको अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। बिल्कुल, एक गीत बहुत पहले बजा था, कौन सा? एक गीत बजा और फिल्मी दुनिया वालों ने कहा चलिए अभी एक फरमाइश आई थी भोजपुरी गीत की। अरे वाह, तो हम सोच रहे हैं भोजपुरी गीत आपको सुना। बिल्कुल बिल्कुल, उधर समोसे के साथ चटनी, इधर मोमोज के साथ चटनी, वो भी डबल फ्री वाली। भोजपुरी चलेगी? चलेगी, चलिए सुना रहे हैं। एक गीत मुझे भोजपुर वालों ने कहा क्या, के दारू बजारू चढ़ी जाला हो, अरे दारू बजारू चढ़ी जाला हो, बिगड़ जाना हो। ए, कोट वाले भाई साहब जरूर सुने। राजवीर भैया देखो कितनी ध्यान से सुन रहे। अरे दारू बजारू चढ़ जाला हो, तो कहूं वो के नियत बिगड़ जाला हो। आ, चाचा बहुत खुश हो रहे हैं। अरे कर चिकना तो काम गुगुने आपे, गुगुने आपे। अरे नोट पर से लहमरा न दुनिया पे, जब हिलावेला कमार हरा दुनिया पे। अरे नोट पर से लहमरा न दुनिया पे, जब हिलावेला कमार हरा दुनिया पे। शिवम भाई कितना अच्छा बजाते हो। अब एक बार भगवान कन्हैया ने रासलीला रचाई और माता पार्वती देखने के लिए जा रही थी, इतने में बाबा भोलेनाथ आ गए। बाबा भोलेनाथ ने कहा इतना सज धज क्या तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो जागरण में? तो माता ने कहा कि भगवान कन्हैया ने रासलीला रचाई है, बस उसी को मैं देखने जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। माता पार्वती ने कहा आज वहाँ नारियों का काम है, पुरुषों का कोई काम नहीं। नो एंट्री, आप लोग नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं, आप लोग नहीं जा सकते हो ना, ये लोग जा सकते हैं। मूछ वाले लोग बिल्कुल नहीं जा सकते। तो कहा आज वहाँ नारियों का काम है, पुरुषों का कोई काम नहीं है। और जब इतनी बात कहा तो भगवान भोलेनाथ गुस्सा हो गए। तो भोलेनाथ ने कहा मैं नहीं जाऊंगा तो तुमको भी जाने नहीं दूंगा। उतारा सारी वाली। जब इतनी बात कहा तो माता पार्वती ने कहा ठीक है स्वामी, आप जिद कर रहे हो, नहीं मान रहे तो चलो, लेकिन तुमको नारी बनना पड़ेगा। क्यों राजवीर भैया बताओ, तैयार हो? पहनो साड़ी। कहा तुमको नारी बनना पड़ेगा। और माता पार्वती ने देखी अपनी साड़ी और जो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 लिपस्टिक। अरे अरे लिपस्टिक, लिपस्टिक लिपस्टिक नहीं लिपस्टिक, सब कुछ दे दिया और कहा तैयार हो जाओ चलो मेरे साथ। और जब तैयार हो करके रासलीला में पहुंचे, भगवान कन्हैया ने देखा तो कहा क्या क्या करो बरूई मेहरारो अकड़ के चले। ये है ढोलक।
खाते हो बेटे? अरे रूबरू ही मेहरारू अकड़ के चले, चाल मर्दानी फिर आगे बढ़ के चले। कन्हैया ने कहा जैसे देखा कहा, मुझे तो लगता है ये कोई पुरुष ही है जो साड़ी में छुपा हुआ है, जो टोपी लगाए हुआ है। तो रूबरू ही मेहरारो अकड़ के चले, चाल मर्दानी फिर आगे बढ़ के चले। समझे भैया? सुने। अरे शकला दो ना यही की चलनिया पे, चलनिया पे। मुझे मुझे शक लग रहा है, डाउट हो रहा है मुझे। तो शकला दो ना यही की चलनिया पे, चलनिया पे। राजीव भैया शकला गे लचाल मर्दनिया पे, तदिन तदिन ना कदिन तदिन। अरे शकला गे लचाल मर्दनिया पे, चलो घुमला चलो घुंघटा, चलो घुंघटा, अरे चलो घुंघटा उठाई ई तुलनिया के। तो चलो घुंघटा, अरे चलो घुंघटा उठाई ई तुलनिया के। घुंघटा उठाई ई तुलनिया के, चलो घुंघटा उठाई ई तुलनिया के, चलो घुंघटा उठाई ई तुलनिया के, चलो घुंघटा उठाई। तो चलो घुंघटा उठाई ई दुल्हनिया के। ये छोटी सी कटफीस मेरी तरफ से। अब वही एक नाम पा गया शंकर भगवान गोपेश्वर नाथ। बहुत ज्ञानी लड़का है। हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते। करते क्या हो? इतना सब बोली डाला और टीका टिप्पणी करते ही नहीं है। दीदी नहीं बोल रहे हो, चिरकुट बहुत परेशान है। लेकिन दीदी टीका कब टिप्पणी ज्यादा। नीचे कह रहे टोपी लाल। लेकिन टोपी जो होती है वो गर्मियों में लगाई जाती है, तुमको ये पता नहीं टोपा है, तुमको जरूरत हो दे दूं अपना टोपा। बहुत परेशान हो टोपा के लिए। सही बात है, मंडल वाले के पास सही बात न टोपी है न टोपा है, तो सामने वाले देख के ललचाएंगे। इनके पास है ही नहीं, इनके ठंड बहुत लगती है ना, झुटैया रखा गया है। दीदी जी हमने आपको एक गीत दिया था, खंड गीत, जवाब बड़ा सुंदर दिया आपने, लेकिन आप कह रही हैं हमारा गीत कह रहा था भैया तीज पितु भैया की कजली, तीज पितु मैया की। हमने आपको व्रत दिखाए थे कि पति और पत्नी ये व्रत रखते हैं, और लास्ट में आपको हमने ये भी बताया था और पति और पत्नी ये व्रत क्यों करते हैं। जवाब बढ़िया दिया है आपने, लेकिन दीदी जी आप कह रही हैं सोमवार इतनी पुरारी का, लेकिन दीदी अगर हमारा मन हो कि हम सोमवार को तिपुरारी को नहीं हम चक्रधारी को पूजे, तो का फाउंडेशन लगा है। अरे आज तो बृहस्पतिवार था जब हम आए थे यहाँ माता रानी का गुणगान करने, तो हमको खाली चक्रधर के दर्शन करने चाहिए थे, माता रानी दर्शन ही नहीं करने चाहिए थे हमें। लेकिन बढ़िया है, जो भी है सब बढ़िया है। आप कह रही थी याद है एक बार गोंडा में मिले थे, दीदी हमको तो याद है, लेकिन हम सोच रहे फिर दोबारा कब मिलेंगे, तो और ज्यादा याद हो जाएगा हमको। और क्या, बढ़िया है जो भी है। आइएगा, एक गीत आया दीदी की ओर से और गया फिल्मी दुनिया वालों ने। फिल्मी दुनिया नहीं गा रही है, ये भोजपुरी वाली दुनिया गा रही है। ये सत्यानाश करे हैं सबका आनंद का। लेकिन दीदी हमारी एक खास बात है, हम भोजपुरी गाने गाते ही नहीं, इसीलिए हमने दादा को मंगाया है गोंडा से।
हम भोजपुरी गाने गाते ही नहीं है, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। सुनिएगा। अरे दारू बजारू चढ़ जाला हो, हमने सुनी भी नहीं, प्रयास कर रही है। चलो बैठे। अरे दारू बजारू ही चढ़ जाला हो, अरे के हुआ के नियत बिगड़ जाला हो। अरे दारू बजारू ही चढ़ जाला हो, अरे के हुआ के नियत बिगड़ जाला हो। और क्या कह रही हैं? अरे जितना गुमानी नथनिया पे नोट पर से ला हमरी नथनिया पे। और आप गा क्या रही हैं? जब हिलावे कमर हर मुनिया पे, कमर हर मुनिया पे, जब हिलावे कमर हर मुनिया पे। प्रयास कर रहे हैं। आपका गीत कह रहा है, जब माता पार्वती के साथ बाबा भोलेनाथ रासलीला में चले गए, नारी का रूप रख के तो वहां नाच रहे हैं, तो कान्हा ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो अलग प्रकार से गोपी नाच रहे हैं। ये औरत नहीं है, ये तो भांगड़ा कर रहा है, कौन सी औरत है? आप कह रही हैं, चलो घुंघटा उठाई दुल्हनिया के। बढ़िया बात। लेकिन दीदी वही वही की बात मैं भी ले रही हूँ। जब कान्हा घुंघटा उठाने गए हुआ क्या? क्या? अरे सामने आए कान्हा, सारा सब दूर। आपका गीत कह रहा था कि यहाँ सक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सक दूर हो गया। उठ गया दीदी जी। दूर सक हो गया ई कहानिया के, दूर सक हो गया ई कहानिया के, जब घुंघटा उठाया दुल्हनिया के, जब घुंघटा उठाया दुल्हनिया के, जब तभी से भगवान शंकर का एक नाम गोपेश्वर दादाजी पड़ गया, और भगवान शंकर को एक वरदान मिल गया कि जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होगा वहाँ पे आए बाएं दाएं इधर उधर कहीं ना कहीं आपको भगवान शंकर का मंदिर जरूर जरूर मिलेगा। इसीलिए कह रही हूँ, तू सक हो गया।